वेलकम टू रेड ऑन वेब टीवी। कई दिनों के बाद अनबॉक्सिंग की वीडियो है ये, और वजह ये है कि स्टॉक आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत कम मिल रहा है। तो आज हम अनबॉक्सिंग के लिए जो लेकर आए हैं, जो अवेलेबल स्टॉक हैं पाकिस्तान में, आर्डोनिक कंपनी का एक सेट है विजन 20+। विजन 20+ का ये साइज़ जो है वो अच्छा साइज़ है, और अगर आप रूम में रखते हैं, टीवी के साथ चलाते हैं, कंप्यूटर के साथ, या वैसे ही आपका शौक है, तो इसमें 360 डिग्री पे आपको लाइट मिलती है जो कि ग्लो करती है गोल्डन कलर में। एंड सेकंड, इसके अंदर जो सबवूफर यूज़ किया गया है 5.25 इंच का सबवूफर है और 30 वॉट्स का है। एंड सेकंड, इसके अंदर जो स्पीकर्स यूज़ किए गए हैं वो 3 इंच के स्पीकर हैं और 15 वॉट्स के हैं। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसका 40/20 है, बिल्कुल एवरेज सेट है। प्राइस अपडेट मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा। तो सेट की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेट है विजन 20+। डिज़ाइनिंग अच्छी है और स्टाइलिश है जो कि नज़र आ रही है। अब इसको हम जब निकालेंगे बाहर तो देखेंगे। बाकी फ़ीचर्स फंक्शंस इसके अंदर सारे हैं, तमाम तर हैं। ठीक है जी, सेट हम निकाल लेते हैं बाहर। अच्छा, इसमें कंपनी आपको जो है वो 1+2 की एक केबल दे रही है, स्टैंडर्ड साइज़ की केबल है ये। आप कंप्यूटर में, डीवीडी में, टीवी में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, इसके अंदर से जो है वो कंपनी एक अदद रिमोट दे रही है जिसके अंदर फुल लोडेड रिमोट है ये, जिसके अंदर बेस और ट्रेबल दोनों चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय रिमोट। अच्छा जी, ये इसके सेटेलाइट स्पीकर्स हैं, और पहले इसको पैकिंग से बाहर निकाल लेते हैं। सेकंड, उसके बाद फिर हम आपको इसका प्रोडक्ट का रिव्यू भी दे देंगे और इसका साउंड डेमो भी आपको हाथ की हाथ ही इस वीडियो में दे देंगे हम आपको। ठीक है जी, वारंटी कार्ड भी है इसके अंदर। ये वारंटी कार्ड है कंपनी का, 1 ईयर की वारंटी होती है इसकी प्रोडक्ट की, आर्डियोनिक की। ठीक है जी, सबसे पहले इसके सेटेलाइट स्पीकर्स निकाल लेते हैं बाहर। देखिए जी, ये है इसका सेटेलाइट स्पीकर, और फ्रंट जो आप इसका फेस देख रहे हैं पूरा ये प्लास्टिक मटेरियल में है। ये ट्यूटर नहीं है, डमी ट्यूटर, यानी कि डमी है, ट्यूटर नहीं है ये। सेकंड, ये इन्होंने सपोर्ट के लिए दे दिया है ताकि आपका जो स्पीकर है वो डैमेज ना हो, कोई इस पर छेड़े नहीं इसको। आर्डियोनिक का लोगो आ गया है। बाकी जो है ये तकरीबन 8 mm की प्लाई में जो है ये बना हुआ है, और प्लाई जो है ये लसानी की होती है। इसको वॉल माउंट भी आप कर सकते हैं क्लिप लगा कर, पर बाज़ार से परचेज करके। ठीक है ना, कैबिनेट जो है इसका, बॉक्स जो है, कैबिनेट जो है वो एक बड़ा है, आम साइज़ से बड़ा है ये। ठीक है जी, ये दूसरा भी सेट आ गया हमारा, दूसरा भी स्पीकर आ गया है। अब चलते हैं हम अपने वूफर की तरफ। ठीक है जी, वूफर में मास्टर कंट्रोल लगा हुआ होता है सारा। सब वूफर 5.25 इंच का है, लेकिन जो इसका कैबिनेट बना हुआ है, कैबिनेट तकरीबन इसका जो बना हुआ है वो 6.5 इंच के वूफर के हिसाब से बना हुआ है। तो इट मींस कि ये बेस मैं समझता हूँ कि अच्छी शायद बना पाएगा अपने अंदर। ठीक है जी, ये आ गया है, डिज़ाइन अच्छा है, ऑरेंज कलर का इन्होंने यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल, ये भी पूरा फेस प्लास्टिक मटेरियल का है, और बटन्स जो हैं वो सिल्वर के शो किए हैं लेकिन प्लास्टिक हैं, लेकिन इस पर कलर जो है वो सिल्वर है। अच्छा, वॉल्यूम जो है वो गरारी बेस्ड है, सॉफ्ट बटन वॉल्यूम नहीं है। सेकंड, डबल वॉल्यूम है, यानी कि बटन भी है इसके अंदर। ये इसका इनपुट होगा लाजमी बात है, या मेनू होगा इसका, वो चेक कर लेंगे हम। ऑरेंज कलर का है, इसमें लाइट ग्लो करेगी, अब लाइट यहाँ ग्लो करेगी या नीचे लाइट ग्लो करेगी वो भी देख लेंगे। सेकंड, इसका ये जो है स्क्रीन है। अच्छा, टॉप पे जो है वो आप USB और मेमोरी कार्ड लोड कर सकते हैं। वुडन कैबिनेट है, ये इसके सबवूफर आ गया है, 5.25 इंच का सबवूफर है, साइड में दे दिया इन्होंने। नीचे इन्होंने इसके रबर के पैड दे दिए हैं ताकि ये स्लिप ना हो जब बेस बनाता है। अच्छा जी, पीछे सिंपल है, ऑन ऑफ है, कंपनी की सील लगी हुई है, आर्डियोनिक का मॉडल है लिखा हुआ है सारा। ये FM का इसका वायर आ गया है, एरियल होता है ये। इनपुट आउटपुट आ गया है, और इनपुट में आप कंप्यूटर, DVD कुछ भी ला सकते हैं, आउटपुट में आपने स्पीकर्स लगाने हैं। स्टैंडर्ड साइज़ की पावर केबल है इसकी, और स्पीकर के जो है वो लेफ़्ट साइड पे इन्होंने होल दे दिया है जहाँ से ये अपनी एयर लेगा। ठीक है जी, प्रोडक्ट जो है वो देखने में तो मुझे ठीक लग रही है, और देखने के हवाले से अगर आप बोलेंगे तो लुकिंग में तो सही है बिल्कुल, ये स्मार्ट लुक है इसका बिल्कुल। सेकंड, अब इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करके फिर साउंड डेमो आपको देते हैं।
और फिर प्राइस अपडेट भी इसका देंगे। ठीक है जी, कनेक्ट हो गया ये। अब हम इसके स्पीकर्स को कनेक्ट कर लेंगे। स्पीकर्स को बहुत सारे लोग जब कनेक्ट करते हैं, यानी कि अगर कोई वायर लंबा करना चाहता है, तो वो एक गलती ये कर देता है कि इसके कनेक्टर्स को जो है वो बिल्कुल ही कॉर्नर से काट देते हैं, तो दोबारा फिर लगने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी आप इसमें वायर यूज़ करें, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। ठीक है जी, ये लाइट, अच्छा लाइट दोनों में है। ओके जी, लाइट दोनों में आ गई है। पहले मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग देख लूँ। वॉल्यूम इसका जो है वो जाता है 30 पर। एंड सेकंड, ये ट्रेबल है, जो बटन है इसके अंदर ट्रेबल है, ट्रेबल 14 पे जाएगी। आप हम इसको 12 पे कर देते हैं। एंड सेकंड, इसमें सबवूफर जो है वो 14 पे जाएगा, उसको भी हम 12 पे कर देते हैं। ठीक है जी, ब्लूटूथ पर है और हम इसको USB से आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे। ये लाइट जो है साउंड के साथ इसकी ग्लो करेगी। अच्छा जी, USB से मैंने इसको प्ले किया है। यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है इसके सैटेलाइट स्पीकर्स में। साउंड का मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। क्वालिटी साउंड की बहुत अच्छी है, एवरेज है। और अगर आप अच्छा साउंड बनाना चाहते हैं, तो इसके जो ये सैटेलाइट स्पीकर्स हैं, सैटेलाइट स्पीकर्स को आप सब वूफर से जितना दूर कर सकते हैं कर दीजिएगा, क्योंकि ट्रेबल है। और अगर ट्रेबल कंट्रोल करके आप चलाएंगे, इसकी ट्रेबल अगर आप डाउन कर देते हैं 4 या 6 पे कर दें, जैसा कि ये साउंड दे रहा है, और बेस आप इसकी 14 पे कर देते हैं फुल पे भी, तो साउंड बहुत अच्छा आपका बनेगा। मूवीज़ वगैरह कोई देखते हैं तो आप ट्रेबल हाई कर सकते हैं, उसमें हाई पिच पे ट्रेबल आती है तो आपको साउंड में मज़ा आएगा। सेकंड, वूफर को आप कोशिश किया करें कि ग्राउंड लेवल पे रखा करें, ज़मीन पे रखा करें, ग्राउंड लेवल पे बेस अच्छी बनती है। इसका प्राइस अपडेट मैं देता हूँ। प्राइस अपडेट इसका है इस वक्त 15,000 रुपीज़ में ऑल ओवर पाकिस्तान आपको मिल सकता है। साउंड क्वालिटी अच्छी है, एवरेज है, क्योंकि प्राइस बहुत अप हो चुके हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. Allah Hafiz.